वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की ख्वाहिश रखने वालों को हमेशा की तरह मायूसी होगी। हुकूमत की माशी टीम के इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि साबिक हुकूमत की तबाह हाल मईशत को बहाल करेंगे, इंशाअल्लाह पाकिस्तान दिवालिया नहीं होगा। कबल अज़ी इजलास में वज़ीरे ख़ज़ाना इसहाक डार, गवर्नर स्टेट बैंक और FBR हुकाम ने वज़ीरे आज़म को मुल्क की माशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। इजलास में वज़ीरे आज़म को कर्जों की वापसी के शेड्यूल और IMF से जारी बातचीत से मुतालिक तफसीलात से आगाह किया गया। अलावा अज़ी मौशी टीम ने वज़ीरे आज़म को ज़र मुबादला के ज़खायर समेत डॉलर की कदर के मुहर्रकात के हवाले से भी बताया। वज़ीरे आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में मौजूद वज़ीरे ख़ज़ाना इसहाक डार ने कहा कि मुल्क के दिवालिया होने का कोई इम्कान ही नहीं, कर्जों की बरवक्त अदायगियाँ की जाएंगी। दौरान इजलास वज़ीरे आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमती मौशी टीम को हिदायत की कि मईशत को मुस्तहकम और आवाम को रिलीफ फ्राहम किया जाए। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने डॉलर, गंदम और यूरिया की अफगानिस्तान स्मगलिंग को रोकने के लिए ठोस इकदाम उठाने का फैसला किया है। इस सिलसिला में वज़ीरे आज़म ने हिदायत जारी की हैं कि डॉलर की स्मगलिंग को रोकने के लिए तमाम इदारों में रवाबित मजबूत करते हुए सख्त एक्शन लिया जाए। वज़ीरे आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया कि हुकूमत मालियाती इदारों से की गई कमिटमेंट को पूरा करेगी।